नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चतरा। अभी हम मौजूद हैं भेड़ी भौर डैम के पास, जो आप देख सकते हैं कि कितना विकसित किया गया है। उपायुक्त अबू इमरान के द्वारा विशेष पहल की गई है और किस तरह से पार्क का निर्माण किया गया है और चौक चौबंद व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। और इस वर्ष पहले भी यह पिकनिक स्पॉट के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस वर्ष उपायुक्त अबू इमरान के द्वारा विशेष पहल की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से व्यवस्था चौक चौबंद की गई है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ विशेष पहल की जा रही है। अभी भी पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है, रंग रोगन का कार्य अंतिम चरण पर है। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से पार्क का निर्माण किया गया है। डैम के चारों ओर रोड की व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी भी लोग यहां पे पिकनिक मनाने पहुंचे हैं। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, उस ओर देख सकते हैं किस तरह से यहां प्रत्येक साल पिकनिक मनाने आते हैं। इस वर्ष भी बेहतर खूबसूरत पार्क का निर्माण किया गया है।
के भेड़ी फार्म में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पे, और यहाँ हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया गया है। और यहाँ आइए, आप सब यहाँ आकर देखिए, इस बार पिकनिक के लिए भी बहुत अच्छा स्पॉट है, और इससे पहले कुछ वैसी व्यवस्था नहीं था, लेकिन इस बार बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे पार्क भी बनाया गया है और डैम का भी बहुत अच्छा सुंदरीकरण भी हुआ है, और यहाँ घूमने का जगह है, आप लोग आइए और घूमिए और बढ़िया से इंजॉय कीजिए। पहले यहाँ पे हम लोग पिकनिक मनाने के लिए आते थे तो कुछ नहीं था, अब पार्क भी बन गया है और सुंदरीकरण भी हो गया है, और अब पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे भेड़ी फार्म जो जांगी पंचायत के अंतर्गत है, जो हमारे डीसी साहब यहाँ पर सुंदरीकरण पार्क बोट टूट पूरा बहुत अच्छा से यहाँ पर सुंदरीकरण कराए हैं, हाँ ना डीसी साहब के, सबसे पहले उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। पार्क का निर्माण किया गया है, 26 दिसंबर का सीएम आ रहे हैं, तो उस दिन उद्घाटन होगा। यहाँ पे आएंगे? आएंगे ना, ऑनलाइन करेंगे। सीमरिया पहुँच रहे हैं। यहाँ पे व्यवस्था की गई है? व्यवस्था ये है, पार्क है, कैफेटेरिया है, दुकान का है, शौचालय है, रोड का है, डैम का ये बोटिंग का है, और पूरा रोड बनाया गया हुआ है भीड़ पर। कितना लागत से बनाया जा रहा है ये? 3 करोड़ कलम सब में है। जो यहाँ आना चाहेंगे कैसे आएंगे? ये ई रिक्शा भी दे रहे हैं डीसी साहब, यहाँ ई रिक्शा दे रहे हैं, वहाँ से स्टेशन बना रहे हैं रोड पे, वहीं मेन रोड पे।